ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम जल जीवन मिशन हर घर जल की योजना। जलम एव जीवनम, जल ही जीवन है। जल में अमृत है, जल में औषधि है, जल प्राण तत्व है। सभ्यताएं जलीय स्रोतों के इर्द गिर्द ही पली और बढ़ी। विकास कितना ही हुआ हो, किंतु जल के संबंध में आत्मनिर्भरता आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। अगर भारत की बात करें तो लगभग 17% भारतीय नगर और शहर पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। भारत के पास विश्व में उपलब्ध ताजा जल का मात्र 4% ही है, जबकि आबादी के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने से कृषि कार्यों में खपत उपलब्धता का 80% है। आजादी के बाद से लेकर कई वर्षों तक भारत के कई इलाके पानी की कमी से जूझते रहे। पानी की कमी के कारण जहां एक ओर लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा, वहीं सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर पड़ा। सबसे ज्यादा असर माताओं और बहनों पर पड़ता था, जिन्हें पानी के लिए हर दिन कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। जाहिर है ये परिदृश्य व्यथित कर देने वाले थे। आजादी के बाद के वर्षों में इस पर बहुत काम हुआ। हाल फिलहाल की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार की प्राथमिकताओं में बीते कुछ सालों से और वर्तमान में भी जल का मुद्दा शीर्ष मुद्दों में शामिल है। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बीड़ा उठाया देश की पानी की समस्या को सुलझाने का। इस चुनौती को सुलझाने और देश के हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है जिसके तरह स्वराज की शक्ति को गांव के विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। इसी सोच के साथ ग्राम पंचायत को, स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रख रखाव पर भी पूरा जोर है। घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा। बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं स्वाभिमान है, न जीवन का प्रमाण है, सुखी रहो में जन है। जल नहीं जीवन दान है। आजादी के बाद ये पहला मौका था जब जल की उपयोगिता को समझते हुए एक अलग जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। हर घर जल मिशन नामक इस महत्वाकांक्षी योजना में सन 2024 तक घर घर नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 75वें स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन के दौरान मात्र 2 वर्षों में 4.5 करोड़ भारतीय परिवारों को घर पर नल द्वारा जल उपलब्ध करवाने की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया। देश आज हर घर जल मिशन को लेकर के तेजी से काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के सिर्फ 2 वर्ष में 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया। करोड़ों माता बहनों का आशीर्वाद यही हमारी पूंजी है। 61% का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि सरकारी योजना के लाभ से कोई वंचित नहीं रहता। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल तथा स्वच्छता विभाग द्वारा सूचना, शिक्षा तथा संचार के मुख्य तत्वों पर आधारित एक जन आंदोलन की परिकल्पना की गई है। इस मिशन में जन भागीदारी की सहायता से
वर्षा जल संरक्षण और जल संरक्षण के कई कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इन प्रयासों का जिक्र करते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं, जिस तरह से जल की आवश्यकता बढ़ती जा रही, हमने पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिमांड साइड मैनेजमेंट पर काम करने के लिए एक योजना अटल भूजल योजना के नाम से बनाई है, जो देश के 7 प्रदेशों के 79 डिस्ट्रिक्ट्स में कार्यरत है, जिसमें हम पानी के उपयोग को कम करने के लिए लोगों को जागृत करना, वहां कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज रिलेटेड एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन करना और ये सब के लिए जन सहभागिता को खड़ा करना, इस लक्ष्य के साथ में काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट कैच द रेन, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ कराया था। 2019 में हमने 256 जिलों में इसको किया था, इस बार हम देश के पूरे 714 जिलों में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मूल चिंतन को आत्मसात करते हुए राष्ट्रीय जल मिशन जल प्रबंधन के कार्य में सतत अग्रसर है। इन प्रयासों के बारे में जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री भरत लाल बता रहे हैं। ये लोगों का प्रोग्राम है, गांव में गांव की पेयजल एवं स्वच्छता समिति होगी, जो पानी का रख रखाव, गंदले पानी का मैनेजमेंट और सबसे बड़ी बात है कि उस गांव में पेयजल की जो व्यवस्था है उसका रख रखाव, घर घर में पानी देना, उसका क्लोरिनेशन, ये सब काम करेगी। पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से एक कैंपेन शुरू किया गया, जिसके अंदर गांव-गांव में ये जागृति लानी है कि स्कूल में, आंगनवाड़ी सेंटर में, आश्रमशाला में और भी जो इस तरह के पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वहां नल से जल की सुविधा उपलब्ध हो। पिछले एक साल से इसमें हर राज्यों में बहुत काम हुआ है और ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरे देश में करीब करीब 7,67,000 स्कूलों में और 7,66,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स में नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जल जीवन मिशन का फायदा जन जन तक पहुंच रहा है और इसकी वानगी दिखती है उन लोगों की जिंदगी में आए बदलाव से, जिनके लिए पीने का साफ पानी हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं था। बिहार में रहने वाले विवेकानंद बताते हैं। मैं विवेकानंद सिंह बिहार से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर जिला है और पंचायत का नाम है कसा। अभी जो नल जल का प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चलाया है उससे बहुत बढ़िया फायदा हुआ है पब्लिक को। अभी 2 साल पहले वाटर लेवल हम लोगों का एकदम डाउन हो गया था, सबका घर का चापाकल एकदम गिर गया था, कोई किसी के घर में पानी की सुविधा नहीं थी, तो नल जल ही एक ऐसी योजना थी जिसके तहत सभी लोगों के घर में पानी की सुविधा हुई। उत्तराखंड में रहने वाले पीसी पांडे भी बताते हैं। मैं पूर्णचंद पांडे, ग्राम बहेला, पोस्ट ऑफिस द्वाराहाट, तहसील द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आजादी के कई सालों तक हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँच पाया, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी के स्रोत बहुत दूर दूर थे, इसकी वजह से हमारी माताओं और बहनों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना होता था, लेकिन आज ये स्थिति बदल चुकी है। जन भागीदारी और सरकारी प्रयासों के चलते आज हमारे गांव तक पानी पहुंच गया है। साफ पानी मिलने से लोगों के स्वास्थ्य में भी काफी बदलाव आया है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जल जीवन मिशन लाकर पानी पहुंचाने के कई परियोजनाओं के प्रयासों में और भी गति ला दी है। शायर बशीर बद्र बेहद ही खूबसूरत लफ्जों में पानी की अहमियत को बयां करते हुए लिखते हैं, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। ठीक इसी तरह का अफसाना जल जीवन मिशन के जरिए लिखा जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में देश के हर घर जल पहुंचाने की मुहिम में मील का पत्थर माना जाएगा। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जल जीवन मिशन हर घर जल की योजना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।